सीडीओ ने किया पुस्तक जरबे लतीफ का प्रमोशन। वहीं जनपद रामपुर में ईस्ट वेस्ट स्कूल में लेखक एस फजीलत की 13वीं पुस्तक जरबे लतीफ का प्रमोशन कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि सीडीओ गजल भारद्वाज ने इस पुस्तक का प्रमोशन करते हुए कहा कि वे उर्दू को बहुत पसंद करती हैं। इस शहर में आकर पता लगा कि यहाँ साहित्य कला और लेखकों का नगर भी है। इस दौरान वक्ताओं ने इस फजीलत के फन और उनकी साहित्य सेवाओं पर प्रकाश डाला। कहा वे एक अच्छे व्यंगकार हैं, उनके लिखने का अंदाज बहुत बुलंद और उच्च स्तर का है। इस दौरान शौकत अली खां एडवोकेट, डॉक्टर अरशद रिजवी, अजहर इनायती, डॉक्टर इलियास ने विचार व्यक्त किए। इसके बाद सौलत लाइब्रेरी के चेयरमैन सिंशीन आलम ने एस फजीलत को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। अब आइए सुनते हैं एस फजीलत क्या कह रहे हैं। जी, जैसा कि आपने देखा, मेरी 13वीं किताब जो तंज़ुम-ए-ज़ा के ऊपर है, ज़रबे लतीफ, उसकी तकरीब इजरा है। ये किताब तंज़ुम-ए-ज़ा से मुताल्लिक़ है और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें उर्दू अदब की, न सिर्फ रामपुर बल्कि उर्दू अदब की और बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और मुझे मुबारकबाद दी। चूँकि तंज़ुम-ए-ज़ा अब ख़त्म होता जा रहा है, ये सिर्फ एक ऐसी है कि जो उर्दू में जवाल पजीर है। इसके लिखने वाले बहुत कम बल्कि नहीं के बराबर रह गए। जैसा कि निज़ामी साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि अब मेरे अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा राइटर तंज़ुम-ए-ज़ा में है नहीं। तो मैं सब लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ और ये एक मुश्किल सिंफ है, आसान नहीं है, इसलिए इससे लोग भागते हैं अफसाने और नावल की पनाह लेने से। युवा दूर होते जा रहे हैं उर्दू से, युवा दूर होते जा रहे हैं। तो लोग नए राइटरों को चाहिए कि तंज़ुम-ए-ज़ा की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुशाहदे की ज़रूरत होती है, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। ये एक आसानी से लिखी जाने वाली चीज़ है। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन रहा आज के इस प्रोग्राम में? हमारी सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर फजल भारद्वाज साहब जी गेस्ट थी। हमने उनको जाके ये किताब जब दी थी पहली बार और उनसे मुलाकात की थी तो वो बहुत खुश हुई, उन्होंने आने की हामी भर ली थी प्रोग्राम में। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो भी उर्दू की शौकीन है, उर्दू रफ्तार है और उर्दू सीख रहे हैं।